ब्यूटीफुल व्यूअर्स, नमस्ते। वेलकम टू जयस किचन खजाना। सो एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये अमेजिंग सी ब्रेड की रेसिपी। जी हाँ, बिल्कुल बेकरी स्टाइल ब्रेड बनता है और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। इसे कोई भी आसानी से बना सकता है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी ब्रेड बना रहे हैं तो भी ये बिल्कुल आसानी से बन जाएगा और इसे हम बिना ओवन के भी बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि कैसे सिंपल और अमेजिंग ट्रिक के साथ इस ब्रेड को हम आसानी से बिल्कुल बेकरी स्टाइल घर पे बना सकते हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो ऐसी अमेजिंग रेसिपीज़ के साथ आप बने रहें इसके लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो ज़रा से भी इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक ज़रूर करें। सो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मिल्क। सो यहाँ पे दूध को मैंने हल्का गरम लिया है, गुनगुना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा ठंडा। फ्रिज का दूध बिल्कुल यूज़ ना करें। और इसमें हमें डालना है जो बड़ा वाला स्पून होता है, टेबल स्पून, 2 चम्मच इसमें हमें शक्कर डालनी है। और इसे अच्छे से मिला लेना है। तो आज हम ये रेसिपी बनाने वाले हैं, जो ब्रेड की रेसिपी है, ईस्ट से बनाने वाले हैं। और अगर आपको विदाउट ईस्ट भी रेसिपी सीखनी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, वो रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। 2 टाइप के ईस्ट हमें मार्केट में मिलते हैं, एक एक्टिव ड्राई ईस्ट और एक इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। सो यहाँ पे मैं इंस्टेंट यूज़ कर रही हूँ। इंस्टेंट का बेनिफिट ये होता है कि आप इसे डायरेक्टली फ्लावर में, डायरेक्टली ड्राई इन्ग्रीडियंट्स में ऐड कर सकते हैं, और एक्टिव ड्राई ईस्ट को हमें एक्टिवेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये स्टेप एक ज़्यादा हो जाता है अगर आप एक्टिव ड्राई ईस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो इसे आपको प्रूफिंग के लिए लूक वार्म मिल्क में या वाटर में इसे डाल करके, डिजॉल्व करके 5 मिनट से 10 मिनट तक के लिए रखना रहता है, जब तक कि वो प्रूफ ना हो जाए। सो आपको उसके ऊपर बबल्स दिखने लगेंगे, इसका मतलब वो एक्टिवेट हो चुका है। सो इस तरीके से आप कोई भी ईस्ट जो आपको अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी मैदा लिया है और इसमें डालने वाली हूँ मैं 1 टीस्पून इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। अगर आप एक्टिव ड्राई का यूज़ कर रहे हैं तो उसे लूक वार्म मिल्क या वाटर में ही आपको प्रूफ करने के लिए रखना पड़ेगा और उसके बाद उसे यूज़ करें। इसके साथ यहाँ पर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा सॉल्ट। और 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हमने जो मिक्सचर बना के रखा हुआ था मिल्क और शुगर का, उसे इसमें डाल करके इसका हम डो रेडी करेंगे। मिल्क या पानी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो सकती है, बट इसका जो डो लगेगा वो बहुत ही सॉफ्ट होगा। मिल्क ब्रेड थोड़ा सा स्वीट होता है टेस्ट में। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिलाने के बाद इसमें हमने जो मिल्क के साथ शुगर मिक्स करके रखा था उसे ऐड करेंगे। सो धीरे धीरे इसमें ऐड करते हुए इसे मिक्स करना है। आप चाहे तो डायरेक्टली इसे हाथ से कर सकते हैं, मैं यहाँ स्पून की हेल्प ले रही हूँ। ये मिक्सचर थोड़ा सा स्टिकी होता है इसलिए मैं स्पून यूज़ कर रही हूँ, बाद में मैं हाथ से इसे नीट करूँगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे इसमें डाल करके ये लिक्विड अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसका जो डो बनेगा वो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए। अगर आपको मिल्क की क्वांटिटी या पानी की क्वांटिटी कम लग रही है तो आप इसमें हल्का गुनगुना पानी या हल्का गुनगुना दूध यूज़ कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो मिक्सचर है, अगर हम जो डो रेडी कर रहे हैं वो हार्ड हो जाएगा तो ब्रेड भी हार्ड बनेगा। और तो अच्छे से इसे नीट कर लेंगे जब तक इसका जो स्टिकीनेस है कम्प्लीटली चला ना जाए।
इस स्टिकी मिक्सचर को अब हमें स्मूथ करना है, अच्छे से नीट करना है, जिससे इसमें ग्लूटेन डेवलप हो और जो हमारा ब्रेड है बहुत ही सॉफ्ट बने। देखिए ये स्टिकीनेस इसका बिल्कुल कम हो गया है, हाथ में नहीं चिपक रहा है, दैट मीन्स ये अच्छे से नीट हो गया है। अब इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा करके या बटर लगा करके अच्छे से कोट कर लेंगे और जिस भी बर्तन में से हम प्रूफिंग के लिए रखेंगे उसे भी अच्छे से ऑयल लगा देंगे। इसका डो इस तरीके से रख देंगे, इसे ढक करके हमें प्रूफ होने के लिए रख देना है और 45 मिनट्स के बाद इसे हम चेक कर रहे हैं। ये देखिए ये डबल हो चुका है, फर्मेंट हो चुका है, तो इसे हम वापस से इससे सारी हवा निकाल देंगे, इसे पंचर कर देंगे और इसे एक बार फिर से अच्छे से नीट कर लेंगे। अच्छे से स्मूथ कर लेंगे इसे वापस से और इस तरीके से आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूं, इसे आसानी से वापस से डो के शेप में ले आएंगे और प्लेटफॉर्म पर किसी भी किचन टॉप पे या किसी भी सरफेस पे आप इसे लेकर के इस तरीके से पहले इस पे फ्लावर डस्ट कर लें। मैदा डस्ट करने के बाद इसे हम फ्लैटन करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने एक पेन लिया है, ये देख सकते हैं आप, तो उसी के साइज का इसे मैं बना रही हूं। नॉर्मली भी बेक कर सकते हैं किसी भी शेप में। इस तरीके से इसे टक करेंगे, बहुत ही ध्यान से करेंगे क्योंकि इसके जो एजेस हैं ओपन रह गए तो ये क्रैक्स हो जाएंगे और जो ब्रेड है इवन नहीं बनेगा। तो इस तरीके से पिंच करते हुए इसे हमें पूरा सील कर देना है। ये देखिए और इसे वापस से स्मूथ कर लेना है और इसके बाद इसे ग्रीस टिन में अच्छे से रख देंगे और अच्छे से लेवल करके इसे हल्का सा प्रेस करते हुए इसमें सेट कर लेंगे। इसके ऊपर हल्का सा ऑयल ब्रश कर लें। इसके बाद इसे हमें रख देना है आधे घंटे के लिए, जब तक ये डबल ना हो जाए साइज में, इतनी देर ही इसे हमें रखना है। तो आप इसे बीच में चेक कर सकते हैं, तो इसे रखे हुए टाइम हो चुका है। ये देखिए ये प्रूफ हो चुका है, अच्छे से ये राइज हो गया है। अब इसे हम बेक करेंगे। तो इसे बेक करने से पहले यहाँ पे मैंने मिल्क और शुगर का मिक्सचर लिया है, इसे अच्छे से ब्रश करेंगे जिससे ब्रेड के ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन कलर आएगा। इसका क्रस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा, कलर बहुत अच्छा आएगा इसका बाहर का। इस तरीके से इसे प्रॉपरली ब्रश कर लेंगे। तो ये ब्रेड जो है रेडी है हमारा बेक करने के लिए। तो बेकिंग के लिए यहाँ पे आप अवन का भी यूज कर सकते हैं, अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रीहीट करने पहले, उसके बाद इसे 30 से 40 मिनट तक के लिए अवन में कन्वेक्स सेंटीग्रेड पे इसे बेक कर सकते हैं 30 टू 40 मिनट्स के लिए। अब यहाँ पे मैं कढ़ाई का यूज कर रही हूँ, आपने मेरी बेकिंग की बाकी वीडियो भी देखी होगी, केक बेक करने के लिए जो सेम प्रोसेस यूज किया है मैंने वही है। आप इसमें सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं बट मैं इस स्टेप में सॉल्ट यूज नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो यूज कर सकते हैं बेस पे। और इसे मैंने प्रीहीट किया था 15 मिनट के लिए, उसके बाद यहाँ पर इसे ढक करके
40 मिनट के लिए इसे मैंने पकने दिया है। After 40 minutes मैंने इसे निकाल कर चेक किया है तो ये हो चुका है और इसे अब हम निकाल लेंगे इसमें से। आप इसे चेक करने के लिए नाइफ से इस तरीके से चेक कर सकते हैं। देखिए परफेक्टली बेक हो गया है, एजेस इसने छोड़ दिए हैं, किनारे इसने पूरे छोड़ दिए हैं, इसका मतलब हमारा जो ब्रेड है वो अच्छे से बेक हो चुका है। तो इसे हम निकाल लेंगे अच्छे से सावधानी से। अब इस पे ही इसी स्टेज में इसके ऊपर बटर लगा लेना है। आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं, चाहे तो ऑयल भी ब्रश कर सकते हैं। अच्छे से इसे लगाने से जो इसका क्रस्ट है ऊपर से हार्ड नहीं होगा ब्रेड, और इसके हल्के से गीले कपड़े से ढक करके रख देना है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे इसमें से। ब्रेड थोड़ा ठंडा हो चुका है, ऊपर से इसका क्रस्ट भी सॉफ्ट है, अभी इसे हम निकाल लेंगे। तो मैं साइड्स को स्क्रेप आउट कर ले रही हूँ और उसके बाद इसे निकालेंगे टिन से। तो ये देखिए कितने इजीली ये निकल गया, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा राइज हुआ है और कितना सॉफ्ट स्पॉन्जी सा ब्रेड बना है। इसकी स्लाइस भी मैं कट करके आपको दिखाऊंगी। सो है ना, ये आसान रेसिपी, घर पे ही हम बेकरी स्टाइल एकदम आसानी से ब्रेड घर पे बना सकते हैं बिना बहुत ज़्यादा मेहनत के, विदाउट प्रिजर्वेटिव, बिल्कुल सेफली और अच्छे हेल्दी तरीके से घर में इसे हम बना सकते हैं। इसकी स्लाइस मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। देखिए कितना स्पॉन्जी और सॉफ्ट सा ये बना है। आप इस ब्रेड को सैंडविच में इंजॉय कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, जैसा आपका मन हो आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए कितने आसानी से, और ध्यान रखें इसे काटने के लिए आपको बिल्कुल शार्प नाइफ लेनी है। रेसिपी ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, थैंक यू एंड बाय बाय।